उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रैली कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। चुनावी सभा में पीएम ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर हमला बोला। पीएम ने तीनों पार्टियों को घोटालेबाज बताया। मोदी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे जितने गठबंधन हो जाएं, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार को गाली देने वाले कांग्रेस के लोग रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं के गले लग गए। मोदी ने रैली की शुरुआत में मेरठ का जिक्र करते हुए कहा कि वहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। पहले मेरठ के लोग अंग्रेजों से लड़े और अब लड़ाई गरीबी से है। मोदी ने कहा कि मेरठ के युवाओं में बहुत कुछ करने का साहस है, लेकिन राज्य सरकार उनको पीछे कर रही है। इसके साथ ही पीएम ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली से यूपी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वह लखनऊ में रुक जाता है। मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 2.5 साल हो गए हैं, मैंने कोई एक ऐसा काम नहीं किया है जिससे देश को कोई नुकसान हुआ हो। सेना के जवानों को लेकर पीएम ने कहा कि अगर फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है, ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा है। मोदी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नोटबंदी का शुरू से विरोध करती रही है। कर्नाटक में उसकी सरकार के एक मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपए बरामद किए गए, लेकिन उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं गया। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी मानसिकता कैसी है। मायावती का नाम लिए बिना हमला करते हुए मोदी ने कहा कि टिकटें बेच बेच कर कुछ लोगों ने कमरे के कमरे नोटों के बंडल से भरे हुए थे, आज वो बड़े परेशान हैं। जब तक मैं हूँ, मैं चैन से न बैठने वाला हूँ और न ही मैं देश को लूटने वालों को चैन से बैठने दूंगा। तो यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीएम ने सपा, कांग्रेस और मायावती को स्कैम की संज्ञा दी। एस का मतलब समाजवादी पार्टी, सी का मतलब कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश यादव और एम का मतलब मायावती। देखते रहिए डीबी लाइव।